ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 30 दिसंबर। अभी टाइम हो रहा है 9:38। ठीक है, मैं आज का दिन, दिस इज द डे जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला था उस दिन अचानक मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, और क्यों है, कैसे है, मैं पूरा अच्छे से एक वीडियो में बताऊंगा, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वहां पे जाके। ठीक है, तो अभी का टाइम है 9:38, तो ऑलमोस्ट मतलब 10 बजने से पहले मुझे 11 बजे से पहले चाबी सबमिट करना है, जो भी इसका चाबी है, इस घर का। तो मैंने सब पैक वैक कर दिया। ठीक है, ये मेरा मेन बैग, एज यूजल घर से जैसे आया था ये पहन के जाएंगे, ये और ये दोनों सामान जिसका मतलब मैंने यहाँ पे खरीदा, फिर राइस कुकर, वो पूरा सामान, ये दोनों काफ़ी हैवी है। चार चार बैग लेके जाना बहुत मुश्किल है, बट क्या करें, लेके तो जाना है। तो यस, ऑल्सो मैं व्लॉग कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतना सारा सामान लेके मैं कैमरा उठा ही नहीं पाऊँगा। तो मैं गाड़ी में बैठ के, या जब भी टाइम मिले, मैं व्लॉग करता हूँ। सी यू, बाय बाय टू दिस रूम। अच्छा रूम था, बट आई विल गेट यू द रीजन। चाचा, चाबी सबमिट कर दिया, चाबी यहाँ पे चेकआउट में सबमिट करना था, चाबी सबमिट कर दिया। अभी गोइंग बैक टू द प्लेस अगेन, अभी फाइनली मतलब ये घर खत्म, अभी नेक्स्ट। पहुंच गया गाइस, बहुत भारी सामान है यार, उंगली दर्द कर गया। अभी 9th फ्लोर जा रहे हैं, भाभी घर पे है, भैया तो काम पे निकल गए। लेट्स सी क्या होता है, सब कुछ होने के बाद में बताता हूँ। सो गाइस, फाइनली वी आर बैक। ये जगह कितना सही है, मतलब अभी तक मेरे को बेस्ट जगह लगा, ऐसे खोपछा वाला नहीं है। आपको पता है ना, आपके भाई को ऐसे खाली खाली मस्त जगह अच्छा लगता है, DLF में भी कितना खाली खाली जगह था। तो ये एक पूरा एरिया ना, ऐसे बिल्डिंग बिल्डिंग है, बस ऐसे छोटा छोटा नहीं है कि ये यहाँ पे बिल्डिंग है, बीच पे खाली है, फिर मतलब समझ रहे, ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एली वेली नहीं है, तो ये खाली है। एंड एवरी बिल्डिंग के बीच बीच में ऐसे पार्क जैसा है कि आप बैठ सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है ये इलाका, मेरे को अभी तक तो अच्छा लगा। एंड जिसके घर में भी मैं हूँ, यहाँ पे हवा भी काफ़ी है, खाली जगह है ना, जिसके घर पे भी मैं हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब सर तो आज नहीं है, उस दिन मैं सर को मिला था, भाभी बुलाते हैं भाभी को, एंड भाभी सो गुड, इतना अच्छे से सब कुछ समझा दिया कैसे करोगे, बच्चे दोनों हैं अच्छे, छोटू छोटू इतना क्यूट वाले बच्चे हैं ना तो अच्छा लगा, थोड़ा दिन खेले, फिर ऐसे मैं पूरा सब कुछ समझ, ये वो किया, क्या बोलते हैं, तो सेट वेट हुआ, फिर देखते हैं अभी कैसा कैसा जाता है, क्या सीन है। अभी मैं बाहर आया हूँ, थोड़ा सा ऐसे दो तीन सामान खरीदना है, शॉपिंग करना है, खाने वाने का भी, फिर देखते हैं क्या करते हैं, आई विल अपडेट यू।
यहाँ पे गाइस ये वाला स्टोर भी है लिडल करके। दिस स्टोर इज नोन टू बी द लीस्ट एक्सपेंसिव प्लेस इन जहाँ पे आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। एंड ये वाला एरिया है, यहाँ पे बीच में ट्राम्स भी चलता है। मैं देखता हूँ, आज पहली बार लिडल में जा रहा हूँ। मुझे इन लोगों ने बोला था, पुष्किन और गार्गी ने बोला था कि लिडल इज़ द प्लेस जहाँ पे सबसे सस्ता चीज़ मिलता है। सबसे मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसे हम लोग के जैसा डी मार्ट वी मार्ट जैसा सब कुछ मिलता है, सबसे सस्ता मिलता है एंड काफ़ी बड़ा भी होता है। लोगों का गाड़ी वाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है। इस प्लेस में वाइब है भाई, इस प्लेस में एकदम वाइब है वाला काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना खाली खाली स्पेस अगर मिले ना साले, ग्राशिया में थोड़ा भी खाली स्पेस नहीं मिल रहा था। इतना ऐसे खोपचा जैसा था ना, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, साले रास्ते में वॉक करो। उधर कोई ऐसे लोग ही नहीं थे, यहाँ पे एटलीस्ट एशियन लोग दिखते हैं मुझे। गाइस मैं अभी अभी हक दिया था, लेचे मतलब मिल्क होता है, ठीक है ये वाला उठा ले, ये वाला कोई पास्ता का इंग्रेडिएंट है, मैंने रख दिया। गाइस काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर लिया, अभी दो हाथ में दो चीज़ उठाना है तो आई वॉन्ट बी एबल टू व्लॉग, एकदम घर जाके बात करते हैं। गाइस इतना सारा सामान है ना, थक गए, थोड़ा सा ऐसा रेस्टिंग। एंड ये ज़्यादा सामान, इससे काफ़ी चीज़ मैंने बैकपैक में डाल दिया है, बस दो मिनट का रास्ता है, घर जाता हूँ। इतना सारा चीज़ एक ही बार में ख़रीद लिया, अब कुछ दिन के लिए नो शॉपिंग, न्यू शॉपिंग। फिर आज शाम को एक बार जाके मुझे कंबल ख़रीदना होगा, क्योंकि भाभी लोग के घर में ना कंबल नहीं है, और एक है जो धुलना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इन दिनों तो नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में ख़रीद ही लूँ एक, क्योंकि क्या ही बार बार मैं ये सब करूँ। सो लेट्स गो, घर पे जाके ही बात करेंगे। गाइस यहाँ का पहला खाना, यहाँ का व्यू कितना सही है। ये किचन वाला व्यू है। दिस इज द स्टफ जहाँ पे मुझे खाना बनाना है। फिर मैंने राइस डाल दिया आज, एंड अंडा और आलू डाल दिया उबालने के लिए, बॉयल होने के लिए। फिर थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा ये, फिर फ्राई कुछ कुछ तो करके मैं खा लूँगा आज के लिए। यू एंड बहुत सही है, यहाँ पे भाभी इतनी अच्छी है, सब कुछ मुझे दे रही है, एवरीथिंग एंड सब, जहाँ जहाँ मतलब ऐसे बॉक्स वॉक्स देना पड़ता है। आज बनाया कुछ राइस, आलू, टमाटर और अंडा, खाते हैं, खा के नीचे जाएंगे, जाके मुझे ना एक कंबल ख़रीदना है, ब्लैंकेट ख़रीदना है, तो उसका शॉप मेरे को ढूंढना है, अगर मिला तो सही है, नहीं तो उन लोगों से पूछता हूँ। बस वही अभी का सीन कुछ ऐसा ही है। आई विल अपडेट यू। पहली बार स्पेन के मॉल में आए, स्पेन या जिन बार्सिलोना के मॉल में आए, मेरे को एक चीज़ खरीदना है, उस चीज़ के कारण मैं एक्चुअली पर पता नहीं, यहाँ पे इतना हाई फाई चीज़ है तो मेरे को समझ में नहीं आता कि खरीदूँ क्या, क्या नहीं खरीदूँ, क्या नहीं खरीदूँ। मैंने मेरे को स्टोरी नहीं दिख रहा कि ऐसा एक स्टोर है जहाँ पे मेरा चीज़ सामान मुझे मिले। लेट्स सी, अब तक के लिए थोड़ा सा सिनेमेटिक्स ही देख लो, कुछ नहीं होगा तो ब्लॉग का कंटेंट बन जाए। कंबल मिल गया, ब्लैंकेट बोलते मिल गया। यहाँ पे ना ये जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन के बगल में एक मतलब इंडियन स्टॉल्स दो तीन है, ठीक है। वहाँ पे एक स्टॉल है जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलता है, तकिए, फिर कंबल वगैरह वगैरह, और इंडियन बनता है, इंडियन नहीं मतलब पाकिस्तानी होगा, मतलब जो भी हो, मतलब हमारे मुल्क के। तो मिल गया, अभी जा रहा हूँ घर, व्लॉग एडिट करना है, दो तीन व्लॉग ऑलरेडी पेंडिंग है, शायद एक व्लॉग तो पक्का पेंडिंग है ये जब से मैं बोल रहा हूँ। फिर ये वाला व्लॉग भी एडिट करना है, सब कुछ एडिट करना है। उसके पहले वाईफाई लेना है, एक्चुअली वो मेरा जो घर का ओनर है ना वो है नहीं, तो वो जब आएंगे तभी वाईफाई मिलेगा, तो वाईफाई के बाद आई विल अपलोड द व्लॉग्स। टिल देन बढ़िया था, और आज के लिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि रात भर आई डोंट थिंक सो कुछ होगा।
तो यप, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन। मैं और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स बनाते रहूँगा। अभी तो आज पहला दिन है इस एरिया में, ये एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर है कम्पेयर टू ग्रासिया, ट्रस्ट मी, सुंदर तो है। बाकी ये चीज़ मुझे नहीं पता कि कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो देख लेंगे, पर अभी तक बढ़िया लगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, आई सी यू गाइज इन अनदर व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।